अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। ये क्लास 9 का यूनिट नंबर 10 यानी टेक्नोलॉजी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो अगर देखें स्टूडेंट्स, आजकल टेक्नोलॉजी के बगैर हम अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम इतने इस टेक्नोलॉजी के आदी हो गए हैं कि हमें इसके बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल लगता है। तो आज स्टूडेंट्स इस चैप्टर में देखते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। तो रीडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइव्स इन अनडिनाइबल, यानी द इम्पॉर्टेंस अहमियत ऑफ टेक्नोलॉजी का इन आवर डेली लाइव्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस अनडिनाइबल, ये नाकाबिले तरदीद है। यानी ये ऐसी एक अहमियत है, ये ऐसी सच्चाई, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी प्लेस अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स, टेक्नोलॉजी अदा करती है एक अहम किरदार, वाइटल अहम किरदार इन आवर लाइफ हमारी ज़िंदगी में। एंड इट हैज़ एडेड टू आवर लाइव्स, और इसने आसान कर दिया हमारी ज़िंदगी को, या इसने मज़ीद आसानियों का इजाफा कर दिया हमारी ज़िंदगी में। एडेड मीन्स वैसे तो इजाफा करना ही, लेकिन यहाँ क्या चीज़ इजाफा करना, आसानियों का इजाफा करना। फ्रॉम किचन, बेडरूम, लिविंग रूम, बाथरूम टू एनी अदर प्लेस ऑफ योर ऑफिस और सॉरी ऑफ योर होम और ऑफिस, यानी फ्रॉम किचन बावर्ची खाने से, बेडरूम अपने बेडरूम से, लिविंग रूम रहने के कमरे से, बाथरूम से, दूसरी कोई भी जगह, टू एनी अदर प्लेस ऑफ योर होम आपके घर की कोई भी दूसरी जगह और ऑफिस या आपका ऑफिस। टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी के आलात या सामान या चीज़ें, इक्विपमेंट आलात या सामान या चीज़ें माने भी कर सकते हैं, इस प्रेजेंट ये मौजूद होती हैं इन डिफरेंट फॉर्म, मुख्तलिफ शक्लों में एंड मैनिफेस्टेशन और किस्मों में। यानी इसकी मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ किस्में, आपकी या किचन में कोई टूल होगा या आपके घर में या ऑफिस में लाजमी कोई ना कोई ऐसा टूल या इक्विपमेंट मौजूद होगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इन टूडेज डायनेमिक वर्ल्ड, आजकल की मुतहरक दुनिया में, डायनेमिक मुतहरक यानी वो दुनिया जो हर वक्त हरकत में है, लाइफ विदाउट टेक्नोलॉजी इज़ वेरी स्ट्रेनियस इफ नॉट इम्पॉसिबल। लाइफ जिंदगी विदाउट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बगैर इज़ वेरी स्ट्रेनियस, बहुत मुश्किल है, इफ़ नॉट इम्पॉसिबल ना, अगरचे नामुमकिन नहीं, यानी नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन हम इतने इसके यूज टू हो गए, इतने इसके आदि हो गए हैं कि मुश्किल ज़रूर हमें लगती है। The offshoots of technological development has stretched out to diverse fields of health science, communication, agriculture, architectural, engineering and transportation system. The offshoot shaakhein of technological development, technology ke badhne ki have stretched out, wo phaili hui hain to diverse field, mukhtalif shobon mein, diverse mukhtalif field shobe of health science, sehat ki science mein, कम्युनिकेशन रबते में, एग्रीकल्चर ज़रात में, आर्किटेक्चर तामीराती काम में, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में, एंड ट्रांसपोर्टेशन आमदोरफ्त या नकल हमल में, सिस्टम उसके निज़ाम में। यानी जो भी आप देखें, कोई भी शोबा हो, उसमें टेक्नोलॉजी ज़रूर इन्वॉल्व होती है। द सिग्निफिकेंस अहमियत ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की विल गेट मोर इंटेलेक्चुअल, हम इसकी और काबिल फहम बना सकते हैं, इफ़ वी ड्विल ऑन दिस फील्ड इन सम डिटेल, इफ़ यू ड्विल ऑन, अगर हम मुताला करें इन दिस फील्ड, इस शोबों का इन सम डिटेल, कुछ तफसील से। यानी अगर हम इसके बारे में और जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, तो हमें इसके बारे में, इसके शोबों के बारे में मज़ीद तफसील से पढ़ना होगा। बिलो नीचे आर सम ऑफ दिस ऑफ द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी टूडे, बिलो नीचे आर सम ऑफ द यूजेस, कुछ इस्तेमाल हैं ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के टुडे आजकल। फर्स्ट वन, टेक्नोलॉजी हैज़ बीन ऑफ ग्रेट यूज़ इन द हेल्थ साइंस इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है हेल्थ साइंस यानी सेहत की साइंस की इंडस्ट्री में। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जदीद बिजली के आलात या बर्की आलात हैव बीन डिस्कवर्ड, दरियाफ्त करती हैं, which have improved the quality of treatment people receive at the health institution as well as increasing their survival chances from various ailment.
have been discovered जो कि दरियाफ्त हो चुके हैं, which have improved जो कि बेहतर बनाती हैं, the quality को of treatment पीपल लोगों के इलाज की क्वालिटी यानी उसको बेहतर बनाती है, रिसीव एट द हेल्थ इंस्टीट्यूट जो कि हमें मिलती है सेहत के मराकज़ में, एज़ वेल एज इसी तरह इंक्रीजिंग इजाफा करती हैं देयर सर्वाइवल चांस, उनके सर्वाइवल चांस यानी उनके ज़िंदगी गुजारने के चांस में, सर्वाइवल ज़िंदगी गुजारने ज़िंदा रहने के चांस में। फॉर वेरियस अलाइनमेंट कई तरीक़ों से अनदर नोटेबल बेनिफिट और एक और ज़्यादा मशहूर फ़ायदा ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का इज दैट वो ये है, इट हैज़ इनेबल डॉक्टर टू डिस्कवर, इट हैज़ इनेबल कि वो इस काबिल बनाते हैं डॉक्टरों को टू डिस्कवर कि वो दरियाफ्त करें यानी मालूमात करें मोस्ट हेल्थ प्रॉब्लम, ज़्यादातर सेहत के मिसाइल वाइल दे आर स्टिल इन द डिवेलपिंग स्टेज, जबकि वो डिवेलपिंग स्टेज में हो यानी उस वक्त अभी बने हैं नहीं, वो बढ़ने के स्टेज में है, एंड ट्रीट दैम और उसका इलाज करें बिफोर दे डिवेलप, इससे पहले कि वो बढ़ जाएं इन टू एडवांस स्टेज ख़तरनाक हद तक, यानी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि शुरू से ही डॉक्टर उनका पता लगा लेते हैं और इनके एडवांस होने तक वो उसको वहीं पर क्या कर देते हैं, वहीं पर उनका इलाज करें ताकि वो और ज़्यादा ख़तरनाक ना हो जाए। नंबर टू, कम्युनिकेशन अक्रॉस द ग्लोब इज़ नाउ ईजी, यानी रबता पूरी दुनिया में आसान हो गया है। The invention and use, ईजाद और इस्तेमाल of internet से का has changed the world into a global village, उसने तब्दील कर दिया दुनिया को एक global village में यानी छोटे से गांव में। People hailing from different geographical regions, लोग जो रहते हैं मुख्तलिफ जोग्राफियाई जगहों में can virtually communicate, अब वो अमली तौर पर बातचीत कर सकते हैं through video call के ज़रिए, email के ज़रिए, एज वेल एज इसी तरह मैनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इस तरह कई और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वो एक दूसरे से आसानी से रब्ता कर सकते हैं। बिजनेस ओनर यानी कारोबार के मालिकान हैव रियलाइज्ड, उनको ये एहसास हो गया है द पावर ऑफ यूजिंग इंटरनेट की ताकत के इस्तेमाल का, यानी जो बिजनेसमैन है उनको भी इंटरनेट की ताकत का अंदाज़ा हो गया है, उन्हें यह एहसास हो गया है टू अचीव हासिल करने के लिए मोर कस्टमर ज़्यादा ग्राहक फॉर देयर प्रोडक्ट्स, अपनी मसनूआत या चीज़ों के लिए ईजिली आसानी से, यानी जो कारोबारी ये लोग हैं उन्हें भी इंटरनेट का उसकी अहमियत का एहसास हो गया कि वो आसानी से अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं। बाय क्रिएटिंग बिजनेस वेबसाइट, किस तरह ढूंढ सकते हैं, बाय क्रिएटिंग बनाकर बिजनेस वेबसाइट, बिजनेस की वेबसाइट को, जो काम वो करें उसकी वेबसाइट वो बना लेते हैं, वेयर जहाँ पर कस्टमर्स क्लिक ऑन द आइटम, कहाँ क्लिक करते हैं यानी दबाते हैं द आइटम, उस आइटम को टू बाय खरीदने के लिए, दैम उसको इन द कम्फर्ट ऑफ देयर होम्स, आसानी से अपने घरों में, यानी ग्राहकों को जो चीज़ खरीदनी होती है उन्हें घर से बाहर जाना नहीं पड़ता, बस कारोबारी लोग जो हैं उन्हें अपनी वेबसाइट बनानी होती है, अपने वहाँ पर आइटम्स को अपलोड करना होता है और फिर जो लोग सर्च करते हैं उन्हें सिर्फ क्लिक करके उस चीज़ को बाय करना या ख़रीदना होता है। इन द पास्ट कम्युनिकेशन वॉज लिमिटेड, जो पास्ट यानी पुराने ज़माने की जो कम्युनिकेशन थी, जो रबता या बातचीत थी वॉज लिमिटेड, वो महदूद थी, टू लेटर राइटिंग यानी ख़त लिखने से, एंड वेटिंग और इंतज़ार करना फॉर पोस्टल सर्विसेज डाकिया का टू डिलीवर योर मैसेज, कि वो आपका पैगाम पहुँचाए, यानी पहले ज़माने का जो निज़ाम था रबते को बहुत लिमिटेड था, आप ख़त लिखते थे उसको पोस्ट करते थे फिर डाकखाने में जाके डालते थे, डाकिया जाकर उसको फिर दूसरे तक पहुँचाता जिसको आपने पैगाम पहुँचाना होता है। टुडे टेक्नोलॉजी हैज़ मेड कम्युनिकेशन ईजी, आजकल की टेक्नोलॉजी ने रबते को आसान कर दिया, नाउ यू कैन ड्राफ्ट अ बिजनेस मैसेज, अब आप भेज सकते हैं अपने बिजनेस के मैसेज को यानी पैगाम को, एंड ईमेल इट और उसको ईमेल कर सकते हैं और फैक्स इन अ सेकेंड, और फैक्स कर सकते सेकंड में विदाउट एनी डिले, बगैर किसी ताखिर के, यानी एक सेकंड के अंदर आप अपने पैगाम दुनिया के किसी भी कोने तक किसी और को पहुंचा सकते हैं। द रिसिपिएंट विल गेट द मैसेज एंड विल रिप्लाई यू इंस्टेंटली, द रिसिपिएंट मौसूल करने वाला विल गेट मैसेज, उसको पैगाम
मिलता है या मौसूल होता है, एंड विल रिप्लाई, और वो आपको जवाब देता है इंस्टेंटली, फौरन, जल्दी से, जैसे ही सेकंड के अंदर अंदर, विद इन सेकंड आपका पैगाम पहुंचता है तो जल्दी वो आपको जवाब देने के काबिल होता है। सिमिलरली इसी तरह टेलीफोन हैव इवॉल्व्ड ओवर द डिकेड्स इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी एज द साइंटिस्ट हैव रियलाइज्ड द नीड फॉर पीपल टू कम्युनिकेट एट एनी टाइम एनीवेयर। टेलीफोन हैज इवॉल्व, टेलीफोन का भी इर्तिका हुआ ओवर द डिकेड्स, दहाइयों में, दहाइयाँ मतलब 10, 20, 30 साल, इसको हम दहाइयाँ कहते हैं। इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की इस्तिलाह में, एज अ साइंटिस्ट हैव रियलाइज, साइंसदानों को ये एहसास हुआ, द नीड की ज़रूरत है फॉर पीपल, लोगों की, टू कम्युनिकेट, कि वो रब्ता करें, एट एनी टाइम एनीवेयर, किसी भी वक्त, कहीं भी। यानी टेलीफोन की ईजाद तो हो चुकी थी, लेकिन साइंसदानों को इस बात का एहसास था कि भाई लोग को ऐसा कोई आला देना चाहिए जो किसी भी वक्त और कहीं पर भी एक दूसरे से रब्ता कर सके, जो कि टेलीफोन की वजह से मुमकिन नहीं था। दिस नेसेसिटी हैज़ लेड टू इन्वेंशन ऑफ पोर्टेबल सेलुलर फोन्स विच हैव टेकन कम्युनिकेशन नोच हायर एज पीपल कैन नेटवर्क ईजीली। दिस नेसेसिटी इस ज़रूरत के तहत हैज़ लेड टू इन्वेंशन ऑफ पोर्टेबल सेलुलर फोन, इसकी वजह से ईजाद हुआ पोर्टेबल सेलुलर फ़ोन। पोर्टेबल मतलब हर वो चीज़ स्टूडेंट पोर्टेबल कहलाती है जिसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सको, तो ये पोर्टेबल सेलुलर फ़ोन, पोर्टेबल यानी आसानी से ले जाने वाला सेलुलर फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, विच हैव टेकन कम्युनिकेशन अननोच हायर, जो कि ले गया रबते को बहुत ही ऊंचे मुकाम पर या आला मुकाम पर, एज पीपल कैन नेटवर्क ईजीली, के लोग आसानी से रबता कर सकते हैं। द डिवाइस इज ऑल्सो फन, और इस ये आला एक फन यानी मज़ा का भी जरिया है, टू यूज़, इस्तेमाल करने वालों के लिए, एज दे आर कपल्ड विद एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एंटरटेनमेंट, कि इसमें बहुत ज़्यादा तफरीही फीचर्स अवामिल हैं, सच एज गेम, जिसे कि गेम, यानी ये सिर्फ ना रबते का, ना सिर्फ ये रबते से इससे होता है, बल्कि इसमें और भी बहुत से एंटरटेनमेंट फीचर्स मौजूद हैं, जैसे गेम्स वगैरह हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें। थर्ड पॉइंट, अदर इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ इज दैट इट हैज़ एलिमिनेट द बल्कनेस एसोसिएटेड विद पेपर वर्क। अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, एक और अहमियत टेक्नोलॉजी की इन आवर डेली लाइफ, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इज दैट वो ये है, इट हैज़ एलिमिनेटेड, किसने ख़त्म कर दिया, द बल्कनेस, पड़ापन या बहुत ज़्यादा ढेर, एसोसिएटेड विद द पेपर वर्क, जो कि कागज़ी कार्रवाई या कागज़ी काम से ताल्लुक़ रखता है। यानी आप अगर कोई फाइल देखें तो उसमें 100-200 पेपर्स होते हैं, या 500 से अबव, या इस तरह के वॉट पेपर, तो टेक्नोलॉजी ने इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया। अब कैसे ख़त्म किया, विद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंफॉर्मेशन के नाउ बी स्टोर्ड वर्चुअली इन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस, मालूमात को हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं मुख्तलिफ जब महफूज करने वाली डिवाइसेस आलात में, सच है जैसे कि कॉम्पैक्ट डिस्क एंड माइक्रोचिप और माइक्रोचिप में, यानी बहुत छोटे छोटे आलात आ गए जिसके अंदर आप बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स को आसानी से रख सकते हैं महफूज तौर पर। मोर सो, इससे अलावा, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस इज सिक्योर्ड, जो मालूमात महफूज होती हैं इन टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस में, वो सिक्योर्ड, महफूज होती हैं, महफूज किया जाता है उसको विद पासवर्ड और एंड कोड्स, पासवर्ड या कोड देकर, विच आर ओनली नोन टू द प्रोप्रेटियर ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो कि सिर्फ मालूम होगा उस मालूमात के इस्तेमाल करने वाले को। मेकिंग इट अ बेटर वे, और ये बनाते एक बेहतरीन तरीक़ेकार ऑफ स्टोरिंग, महफूज करने का, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, खुफिया मालूमात को, यानी आपने मालूमात तो सेव कर ली, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपके सिवा इसको कोई भी ना खोले, तो उस पर आप पासवर्ड या कोड भी लगा सकते हैं, जो कि सिर्फ वही शख्स या वही बंदा इस्तेमाल कर सकता है जिसको ये कोड मालूम हो। फोर्थ, वी कैन नॉट फेल टू मैंशन दैट टेक्नोलॉजी हैज़ बीन ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। वी कैन नॉट फेल, हम नाकाम नहीं टू मैंशन, बयान करने में, जाहिर करने में, दैट टेक्नोलॉजी हैज़ बीन ग्रेट बेनिफिट, कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ज़रूरी सनत में भी।
इट्स नाउ पॉसिबल, अब ये मुमकिन हो गया है टू डिटरमाइन, मालूम करना द क्लाइमेटिक चेंज, मौसमियाती तब्दीली का, एज वेल एज इसी तरह क्लाइमेटिक कंडीशन, मौसम की हालत का, दैट फेवर वेरियस प्लांट, जो कि फेवर में होते हैं यानी हक में होते हैं मुख्तलिफ पौधों के, यानी पहले से पता लग जाता कि बारिश कब होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी। लाइक वाइज इसी तरह टुडे इट इज़ पॉसिबल, आजकल ये मुमकिन है टू ग्रो, उगाना क्रॉप्स फसलों का इन डिजर्ट सहरा में, बाय यूज ऑफ एग्रीकल्चर बाय टेक्नोलॉजी, इस्तेमाल करके ज़रे बाय टेक्नोलॉजी को, यानी वो जगह जहाँ पर हम पहले पौधे उगाने या सब्जी उगाना हमें नामुमकिन लगता था, अब बाय टेक्नोलॉजी के जरिए उन जगह पर हम सब्जी को उगा सकते हैं। विद बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्लांट्स हैव बीन इंजीनियर्ड टू सर्वाइव, प्लांट के पौधों को ऐसे तरीके से बनाया गया है सर्वाइव कि वो रह सकें इन ड्राफ्ट कहत साली कंडीशन, कहत साली की हालत में, यानी अगर कहत साली कहीं पर है यानी बारिश नहीं हो रही, खुश्क है कहीं पर, तो वहाँ पर भी पौधे को उगा सकते हैं। थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से साइंटिस्ट हैव मैनेज, साइंसदान मैनेज करते हैं या इंतज़ाम करते हैं टू इंट्रोड्यूस ट्रेड्स, के वो मुतारफ़ कराएँ खसूसियात को इन टू एग्जिस्टिंग जीन्स, पहले से मौजूद जीन्स में, यानी जीन्स तो मौजूद है लेकिन इसमें कुछ खसूसियात का इजाफा कर देते हैं, विद अ गोल इस मकसद के लिए ऑफ मेकिंग क्रॉप्स, कि वो बनाए फसलों को रेजिस्टेंट मुजाहमतकार टू ड्राफ्ट खुशसाली से एंड पेस्ट और कीड़ों से, यानी अब साइंसदान इस काबिल हो गए बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कि वो पहले से मौजूद पौधों की जीन्स में ऐसी खसूसियात डालें, ऐसी तब्दीलियां करें जिसकी मदद से वो पौधा जो है वो खुशसाली में भी और कीड़ों से भी अपने आप को महफूज रख सकता है। 5 नंबर पॉइंट, नेचुरल फोर्स अफेक्ट एंड डिस्टर्ब ह्यूमन लाइफ, कुदरती जो क़ुव्वतें वो मुतासर करती हैं और ख़राब करती हैं इंसानी ज़िंदगी को एंड डेली इकोनॉमिक एक्टिविटी और रोज़मर्रा की मईशत के कामों को भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर फ्लड वॉश अवे फार्मलैंड एंड होम्स, फ्लड सैलाब वॉश अवे बहा कर ले जाते हैं फार्मलैंड ज़री ज़मीनों को एंड होम्स और घरों को, दे कैरी आउट फर्टाइल टॉप सॉइल, ये वो ले जाते हैं ऊपर की जो जरखेज ज़मीन होती है एंड डिस्टर्ब द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, और ये ख़राब कर देती हैं फसलों की बढ़ोतरी को। ऑल्सो फायर बर्न, जब इसी तरह आग जब जलती है बिल्डिंग इमारतों में, क्रॉप्स फसलों में एंड फॉरेस्ट और जंगलात में, विच इफेक्ट जो कि मुतासर करती हैं ह्यूमन लाइफ इंसानी ज़िंदगी को। हाउएवर, जबकि टेक्नोलॉजी हैज़ इनेबल्ड ह्यूमंस टू बिल्ड लार्ज डैम्स, जबकि टेक्नोलॉजी ने इनेबल इस काबिल बना दिया ह्यूमन इंसानों को टू बिल्ड, कि वो बनाए लार्ज डैम बड़े बड़े डैम, विच कैन हार्बर एक्सेस वाटर, जो के रख सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं इजाफी पानी को एंड यूज दैट, और इसे इस्तेमाल करें वाटर पानी को टू जनरेट पावर, बिजली बनाने के लिए, यानी वो जो इजाफी पानी है उसको क्या करते हैं, उनको स्टोर कर देते हैं और उसकी मदद से फिर ये डैम्स वगैरह में फिर से बिजली पैदा करते हैं। ऑल्सो फायर इज टैम्प्ड टू हीट आवर होम्स, और इसी तरह आग पर काबू पाने के लिए उसको हम फिर हरारत में तब्दील करते हैं जो कि हमें गर्मी देती है हमारे घरों में, एंड प्रोसेस इंडस्ट्रियल मटीरियल, और इससे काम लिया जाता है सनअती मादों में। विंड इज़ बीइंग यूज्ड, और हवा को हम इस्तेमाल करते हैं जो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बिजली पैदा करने के लिए। वी हैव कन्वर्टेड सोलर एनर्जी टू पावर, और हम तब्दील करते हैं शमसी तवानाई को बिजली में। पावर का मतलब यहाँ ताकत, स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर का मतलब बिजली है। विच इज़ बीइंग यूज्ड इन होम, जिसको घर में इस्तेमाल करते हैं एंड बिजनेसेस और कारोबारों में। 6 पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन नकल व हमल यानी आमदोरफ्त इज़ वन ऑफ द बेसिक एरिया टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी, ये भी एक शोबा है टेक्नोलॉजी की एक्टिविटी का। बोथ बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल, दोनों मतलब यानी कारोबारी लोग भी एंड इंडिविजुअल इंफरादी भी, हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द न्यू टेक्नोलॉजीज, फ़ायदा उठाते हैं इस नई टेक्नोलॉजी से इन द ट्रैवल इंडस्ट्री, नकल आमदोरफ्त या सफ़र की सनत में। टाइम इज़ मनी, वक्त पैसा है, सो वी मस्ट हैव फास्ट, तो हमें तेज़ चलना होगा, नहीं वक्त को हम ज़ाया नहीं करें, वक्त के साथ हम तेज़ तेज़ काम करें। एंड एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, और बेहतरीन आमदोरफ्त के ज़राए बनाएं। ट्राई टू इमेजिन लाइफ विदाउट वेल डिवेलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्राई कोशिश कीजिए
टू इमेजिन कि आप ख्याल करें लाइफ जिंदगी का विदाउट वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक बेहतरीन नकल हमल या आमदरफ्त के निज़ाम से अलावा। यानी आप ये ख्याल करें कि आपने ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम लिया, उसमें क्या किया आपने, इसको वेल डेवलप नहीं है, आपके पास कोई इतना यानी हवाई जहाज़ नहीं है, गाड़ियाँ नहीं हैं, बैलगाड़ी वगैरह के ज़माने में हो। आई थिंक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द सेम लाइट एज फूड। हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में यानी मैं सोचता हूँ ट्रांसपोर्टेशन यानी आमदोरफ इसी तरह ज़रूरी है जैसे कि खुराक, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, कपड़े और साया यानी घर। यानी ऐसे ही हमारे लिए आमदोरफ ज़रूरी है जैसे कि खुराक हो गया, कपड़े या साया हो गया। इट हैज़ बिकम अ बेसिक नीड और ये बुनियादी ज़रूरत बन गया बिकॉज क्योंकि वी यूज़ एडवांस ट्रांसपोर्टेशन, हम इस्तेमाल करते हैं एडवांस यानी जदीद ट्रांसपोर्टेशन मीन्स इसके ज़राए लाइक जैसे कि कार, गाड़ियाँ, ट्रेन, रेलगाड़ियाँ एंड एयरप्लेन्स और हवाई जहाज। टू गो जाने के लिए, सफ़र करने के लिए, टू वर्क काम के लिए, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स चीज़ों की आमदरफ्त के लिए, टू गो शॉपिंग शॉपिंग पर जाने के लिए यानी खरीद व फरोख्त की ख़रीदारी के लिए, टू विज़िट फ्रेंड्स एंड फैमिलीज अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए एंड सो मच मोर। और भी कई ज़राए हैं इसके, यानी हम आमदोरफ़्त से मुख्तलिफ काम में इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर जबकि इन रीसेंट टाइम जदीद दौर में द ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम वेरी फास्ट एंड एफिशेंट, जो ट्रांसपोर्टेशन आमदोरफ़्त के ज़रिए हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ और मौसर बन गए हैं। द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुस्बत असर टेक्नोलॉजी का ऑन सोसाइटी पर हैज़ ब्राउट प्रोग्रेस एंड अलाउ अस टू रीच न्यू हाइट दैट वर नेवर कन्विंस ऑफ बिफोर कंसीव्ड बिफोर सॉरी द पॉजिटिव इफेक्ट मुस्बत असर ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का ऑन सोसाइटी माशरे पर हैज़ ब्राउड प्रोग्रेस, तरक्की की तरफ लेकर जाता है हमें एंड अलाउ अस टू रीच और हमें पहुँचाता है न्यू हाइट्स, नई बुलंदियों पर दैट वर नेवर कंसीव्ड बिफोर, जहाँ तक हम पहले नहीं पहुँच सके। विदाउट साइंस, साइंस के बगैर एंड टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के बगैर वी आर लेफ्ट स्टैग्नेंट, हम जमूत का शिकार हैं। जमूत मतलब यानी कहीं किसी जगह पर खड़े हो जाना, किस जगह पर साकित हो जाना। तो स्टूडेंट्स, हमने आज टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा कि कैसे टेक्नोलॉजी का रोल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम है, हमारे हर शोबे में, चाहे वो सेहत का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे और बहुत से आमदोरफ़्त वगैरह के शोबे हैं या इंडस्ट्रियल जो भी हो, तो इसमें ये टेक्नोलॉजी का जो किरदार है बहुत ज़्यादा अहम है। तो स्टूडेंट, आपको आज के ट्रांसलेशन समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी लफ्ज़ समझ में ना आए स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।